से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयार कर रखी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायकों को अलग अलग मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरने के लिए जिम्मेदारी दी है। दिवंगत नेताओं और विशिष्ट जानों को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ ने श्री श्रद्धांजलि दी। लंच के बाद फिर सदन शुरू होगा। सत्र के पहले दिन रीवा के मनगवा से विधायक पंचू लाल प्रजापति रीवा के सिरमौर चौराहे से बोधा बाग तक छोटे व्यापारियों को विस्थापित करने का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए उठाएंगे। दातिया जिले के सेवड़ा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह सिंह नदी का पुल ढहने के कारण को रही परेशानी का मामला उठाएंगे। शीतकालीन सत्र के लिए विधानसभा में विधायकों ने 1632 सवाल लगाए हैं। शीतकालीन सत्र आज यानी 19 दिसंबर से शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इस 5 दिवसीय सत्र के सदन के 5 बैठक होंगे। सत्र में ज्यादा सवाल होने के चलते सदन की कार्यवाही रात 8 बजे तक चलाने का फैसला हुआ है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने को लेकर रविवार तक विधानसभा सचिवालय के कुल 1632 प्रश्नों की सूचनाएं मिली है। इनमें 858 तारांकित प्रश्न और 774 अतारांकित प्रश्न है, जबकि ध्यानाकर्षण की 211, स्थगन प्रस्ताव की 5, अशासकीय संकल्प की 16, शून्यकाल की 67 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली है। 4 विधायक भी विधानसभा के सचिवालय को मिले हैं। इस सत्र में शिवपुरी जिले में पिछौर से कांग्रेस के सीनियर विधायक केपी सिंह मक्काजू शामिल नहीं होंगे। केपी सिंह ने शीतकालीन सत्र में शामिल ना होने पाने की सूचना विधानसभा सचिवालय को भेजी है। मालूम हो कि लंबे समय से केपी सिंह पार्टी की बैठकों में भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने कड़ी मोर्चाबंदी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिवालय को भेजी है। आज एक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में साफ होगा कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण किया गया है या नहीं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7568315551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।